खबर शामिल करते हैं मेहर से। मेहर के नवाही गांव में खरबूजों के तनाजों पर वडेरे ने बागड़ी बरादरी के किसान औरत को मुबैना तौर पर डंडे मारकर कत्ल कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे सहारा न्यूज के नुमाइंदे सैयद सकलैन रजा। जी सकलैन रजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी शुक्रिया। गांव रांझू झत्याल में खरबूजों के तनाजे पर झत्याल और बागड़ी बिरादरी के दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया, जिस दौरान जमींदार ने सलीम झत्याल ने मुबैना तौर डंडे मारकर सात बच्चों की मां किसान औरत अमीरा बागड़ी को शदीद जख्मी कर दिया, जिसको वारिस ने फौरी तौर पर इलाज के लिए तहसील हॉस्पिटल मेहड़ पहुंचाया, जहां जख्मियों के ताब न होलते हुए किसान औरत अमीरा बागड़ी फोत हो गई, जिसकी लाश जरूरी कार्रवाई होने के बाद लाश वारिस के हवाले किया गया। इस मौके पर मकतूला के शोहर नारो मिल बागड़ी ने मीडिया को बताया कि जमींदार डाडो झत्याल के हम खेती बाड़ी करते हैं, जिसने कल भी हम पर तशद्दुद किया था और आज उसके कहने पर जमींदार सलीम झत्याल ने खरबूजे का जवाज बनाकर डंडे मारकर मेरी बीवी को कत्ल कर दिया है। मकतूला के शोहर ने सिंध सरकार आला आफिसरान से मुतालबा किया है कि वाके का नोटिस लेकर इंसाफ फराम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मैं हूं सकलेन रजा।